टाइपिंग लर्निंग हेतु आवश्यक टाइपिंग लर्निंग ई बुक एवं अभ्यास करने के लिए ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह टाइपिंग कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। विशेष निवेदन, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें। इसके बाद अब आ जाइए नीचे वाली। तो नीचे वाली रो मैंने आपको जैसे बताया था, ये वाली उंगली से कुछ भी प्रेस नहीं होगा आपका, इस वाली उंगली से कुछ भी नहीं होगा, हाथ यहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट, अभी सॉरी, ये अभी ये वाली ऊपर नहीं बचाई है, सॉरी सॉरी। इसके बाद आपको इसके इसको टच करना है, इस उंगली से आप शिफ्ट दबाई, ये हो गया, इससे ये इससे वाई तक जाएगा। ये आप रो की प्रैक्टिस कर चुके हो पहले, लेकिन शिफ्ट के साथ नहीं किया। अब आपको शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। सेम पूरा हाथ जैसा आपने पहले सेट किया वैसे ही चलेगा, बस शिफ्ट एक्स्ट्रा आ गई। जब बाएं हाथ का प्रैक्टिस करेंगे लेटरों की, तो आपको दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से, इस उंगली से शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। ठीक है, या फिर आदत डालनी, ऐसे भी करना है। तो अभी आपको धीरे धीरे एक बार दबा लेना और पूरे हाथ की प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जब आप शब्द टाइप करोगे तो खुद ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी कि एक वर्ड पे ही आपकी शिफ्ट दबेगी। ठीक है, ऐसे दबाया, ठीक है, इस तरीके से। समझ गए? ये आपका हाथ देखिएगा ध्यान से, गाइडलाइन पे आ रहे हैं मेरे, कैसे हाथ आपको इसी तरीके से आपको लाने हैं और शिफ्ट दबानी है। किस उंगली से कौन सा लेटर, ये आप बस ध्यान दीजिएगा, किस उंगली से कौन सा की प्रेस हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ इसको ध्यान से देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको ऐसे, क्योंकि भैया आप घर पे टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा, आप गलत अगर हाथ सेट होगा तो वही आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, और अगर गलत हाथ सेट हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत होती है हाथ सुधारने में। क्योंकि प्लेन पेपर में कुछ भी लिख दोगे बहुत आसान हो जाता है, लेकिन किसी लिखे हुए पेपर को मिटा के उस पर लिखना, फिर वो उतनी क्लियरिटी साफ सुथरा नहीं आ पाता है। इसलिए ध्यान रखें, इसलिए बेसिक बहुत कायदे से बहुत प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे टाइपिंग सीख रहे हो, शॉर्टहैंड सीख रहे हो, कोई भी कुछ भी कोर्स कर रहे हो, आपको बेसिक बहुत कायदे से प्रॉपर तरीके किसी ना किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो आजकल तकनीकी इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए आपको ये क्लास वीडियो आपको घर बैठे मिल रहा है। ठीक है, अगर यूट्यूब ना होता, ये वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में होती, तो फिर आपको इसके लिए कहीं ना किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ता। बहुत से लोग होते हैं हमारे भाई बहन जो बहुत दूर गांव देहात में रहते हैं, जहाँ पे कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता, कोई टाइपिंग सेंटर नहीं होता है, लेकिन वो टाइपिंग करना चाहते हैं। और टाइपिंग देखिए, जरूरी नहीं आपकी सरकारी नौकरी में ही काम आए, आपके पास अगर टाइपिंग आती है तो आपके पास एक स्किल आ गई, आप समझ लीजिए टाइपिंग। मैं तो कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को टाइपिंग आनी चाहिए, जो 8th क्लास के बाद हर एक स्टूडेंट को टाइपिंग सीखनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के सारा सब कुछ ऑनलाइन ही सिस्टम है। तो आप टाइपिंग आपको आती है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आप जब कंप्यूटर बैठोगे तो आपको एक एक उंगली ऐसे ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं होती, वो तो इंग्लिश में तो कर भी लोगे, हिंदी में कैसे करोगे, उसमें तो लेटर दिखता ही नहीं है। इसलिए टाइपिंग बहुत जरूरी है, और टाइपिंग आने से आपके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं सरकारी नौकरी है, फिर भी प्राइवेट में आप कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आराम से कहीं ना कहीं काम करके निकाल लोगे। और टाइपिंग नहीं आती, स्किल नहीं है, तो फिर बेकार है आप, समझ गए? इसलिए टाइपिंग को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, समझ गए? आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हाथ रखा आपने, इस उंगली से दो की प्रेस होंगी, ई आर टी वाली इससे टी वी तक होगी, ठीक है, टी वाई तक ये होगी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कौन कौन सा वर्ड छप रहा है, ठीक है, इससे ये हो गया, समझ गया? इस तरीके से आपके लेटर प्रैक्टिस होंगे, है ना। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको सेम प्रोसेस, आपको इन शब्दों की क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस। अब एक्सरसाइज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, इन सभी शब्दों को आपको नोट कर लेना है कॉपी में, और प्रैक्टिस करने का तरीका, प्रत्येक शब्द को 5 बार। अब हो सकता है आपको कई शब्द रट गए हों, तो आपको 3 पेज भी कर सकते हैं, प्रत्येक शब्द को 2 पेज भी कर सकते हैं यहां से, लेकिन 2 पेज से कम मत कीजिएगा, 1 शब्द को 2 पेज
और एक लाइन को फिर दो पेज, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। यहाँ तक आते आते आपको काफी अच्छे से कई बार रिपीटेड हो गए तो रट गए होंगे, है ना। तो इन सभी शब्दों को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा शब्द आया है जिसमें जिस वर्ण की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, जिस लेटर की, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। ये सभी देखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के देख के इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा, है ना, कॉपी में नोट, और बड़ा बड़ा नोट कीजिएगा ताकि आपको दिखे, और जब टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो उस कॉपी को अपने सामने खोल के रख लें और उसी शब्द को देख देख के टाइप करें बार बार, है ना। अपनी आंखें जो है ना कीबोर्ड पे बिल्कुल भी ना लाएं कि कौन सी उंगली से हम क्या दबा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी, ठीक है।